हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आज आपके साथ इस प्लांट के बारे में वीडियो बना रही हूँ। इसका नाम है ड्रेसिना। ये रेड ड्रेसिना है, इसे महात्मा ड्रेसिना भी कहते हैं। इसकी पत्तियों में देखिए फ्रेंड्स, शुरू में कितना प्यारा ये शेड आ रहा है, पिंक और डार्क कलर में ये ऐसे ही आते हैं। उसके बाद ये डार्क होती चली जाती है नीचे की तरफ। देखिए ये ड्रेसिना की वैरायटी है फ्रेंड्स, और जैसे बाकी ड्रेसिना है इसको भी मॉइस्ट एटमॉस्फेयर पसंद है। शेड में इसको रखें, लाइट पड़नी चाहिए, अंधेरा नहीं हो लेकिन शेड हो वहाँ पे इसको रखें, उससे ये अच्छा ग्रो करता है। मिट्टी को इसकी मॉइस्ट रखें लेकिन गीली बहुत नहीं होनी चाहिए। मैंने तो अभी पानी दिया है इसलिए मेरी मिट्टी गीली है, थोड़ी देर में ये सूख जाएगी। इसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल ऐसी गीली नहीं होनी चाहिए जैसी अभी आपको दिख रही है, क्योंकि ये मैंने अभी पानी दिया है इसलिए ये ऐसी गीली है। मिट्टी इसकी ऐसी गीली नहीं होनी चाहिए, ड्राई साइड में रहनी चाहिए थोड़ी सी। और शेड इसको पसंद है। अब स्प्रिंग और ऑटम समर में इसका ग्रोइंग सीजन है फ्रेंड्स, तो इस सीजन में आप इसको फर्टिलाइजर दीजिए, हर 10 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र। और अभी तो आप एक बार इसको गोबर की और कंपोस्ट खाद, नीम का खली उसमें मिला के दे दीजिए अच्छी तरह। उसके 5-7 दिन 10 दिन बाद आप थोड़ा थोड़ा इसमें 2-2 चम्मच बोन मील भी दे सकते हैं, और उसके 5-7 दिन बाद आप रेगुलरली हर 10 दिन बाद इसको NPK फर्टिलाइज़र 2 लीटर या 1 लीटर में 1 चम्मच के हिसाब से, जितना गमले को ज़रूरत हो, अगर 1 12 इंच का गमला है तो उसमें 1 डब्बा दे दीजिए, छोटा गमला है तो उसमें कम दीजिए, जिस जैसे भी प्लांट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको हर 10 दिन में गर्मी के सीज़न में देते रहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको 1 लीटर में 1 चम्मच कहा है तो आप आधा भी ले लीजिए तो चलेगा, क्योंकि गर्मियों में प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर आप बिगिनर हैं और थोड़ा ज़्यादा दे देंगे तो प्लांट आपका जल जाएगा, इसलिए कम देंगे तो चलेगा। आप 1 लीटर में 1/2 चम्मच ही घोलिए और उसको दे दीजिए। ज़्यादा डाइल्यूट देंगे तो पौधे के सड़ने का डर नहीं रहेगा, तो इसलिए एक बार आप इसको ऑर्गेनिक खादें दे दीजिए, गोबर की, कंपोस्ट और नीम की खली मिला के। उसके बाद आप इसको रेगुलर गर्मी गर्मी NPK का लिक्विड बना के देते रहिए तो आपका प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा। इसको शेड में रखिए। अगर आपका अभी भी, मेरा फ्रेंड्स ये धूप में था, गर्म सर्दी में चलता है। देखिए अब इसके आगे से पत्तियां सूखने लग गई हैं, ये देखिए। एक चीज़ और, जब इसकी पत्तियां आगे से ऐसे सूखने लग जाएं फ्रेंड्स, ऐसे पकड़ के उन्हें ऐसे कट कर दीजिए ताकि आगे से पॉइंटेड रह के इनकी शेप वैसी रह जाए और पता नहीं चले। अभी मैंने इसकी पत्तियों को कट किया है, प्लांट्स की केयर भी करनी पड़ती है। ये देखिए इस पत्ती को भी मैंने ऐसे ही काटा है आगे से, क्योंकि अब ये मेरे धूप में पड़े हैं तो सूखने शुरू हो गए, तो मैं आज इनको शेड में कर दूंगी ताकि अब ये और सूखे नहीं और मॉइस्ट इसको एटमॉस्फेयर। सारे गर्मियों में क्या होता है कि आप प्लांट्स को एक झुंड बना के रखेंगे ना शेड में, तो एक दूसरे के मॉइस्चर से एटमॉस्फेयर मॉइस्ट रहता है और उससे प्लांट बहुत अच्छे ग्रो करते हैं गर्मी के सीजन में। एक तो ग्रीन नेट लगाइए, ऊपर से पास पास रखिए। अब आपको मैं इसका प्रोपेगेशन बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स। ये प्लांट जो है, देखिए नीचे से मेरे अभी भी ये सूखे हुए हैं पत्ते। सूखे हुए पत्ते को आप यूँ पकड़िए और ऐसे कट कर दीजिए, ये देखिए, ये इसको ऐसे कट कर दीजिए ताकि ये आगे से तिरछे भी हो जाएं और पता भी नहीं चले कि हमने इसको आगे से कट किया है ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे से ऐसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ये ऐसे मल्टीप्लाई होते रहेंगे और आप फिर जुलाई के मौसम में ये अलग अलग इनको अलग कर सकते हैं और हर प्लांट तैयार हो जाएगा। ये देखिए ऐसे इनका प्रोपेगेशन होता है, आप लगाओगे धीरे धीरे एक से मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और ये ऐसे ही मैंने ये वाला प्लांट अलग करके लगाया हुआ है, ये देखिए, ये इसी में से मैंने ये निकाला था। तो ऐसे इसका प्रोपेगेशन इस तरह से होता है, इसके साथ में बहुत सारे प्लांट्स निकल आते हैं। इनको अब आप जुलाई में
मिट्टी निकाल लीजिए सारा रूट बॉल निकाल के, और उसको डिवाइड जैसे मैंने आपको एस्पेरेगस वगैरह में बताया था वैसे ही इनको अलग अलग कर लीजिए और अलग अलग गमले में लगा लीजिए। और जब आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं फ्रेंड्स, तो उसी समय आप इसमें थोड़ा सा कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड जो भी मार्केट में आपको मिलता है, मेलाथियोन या कोई भी जो आपके शहर में दुकान पे मिलता है, वो लाके आधा चम्मच वो भी उसमें डाल लीजिए ताकि इनको फंगल डिजीज़ वगैरह भी नहीं हो। ज़्यादा नहीं, गर्मियों में आप हर चीज़ जितनी क्वांटिटी बॉटल पे बताई हुई है उससे भी आधी डालिए ताकि आपका प्लांट गर्मियों में ख़राब नहीं हो। अब गर्मियाँ आ गई हैं, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। दिन में दो बार इनको नहलाइए पानी से, मिट्टी को ज़्यादा गीला मत करिए भले ही, प्लांट को अच्छी तरह सुबह शाम आप नहलाइए, प्लांट्स की पत्तियों पे जो डर्ट जमा हो जाती है वो हट जाए तो भी प्लांट्स पे कई इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, क्योंकि कई बार बताते बताते हमसे भी कुछ छूट जाता है, तो आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसका मैं जवाब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन वाले वीडियो में ज़रूर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।